we are going live now i think we are live are we ji we are live assalamu alaikum everyone assalamu alaikum As we maine live kar diya aur maine apna mic lagaya hi nahi koi baat nahi shuru kar rahe hain aap लग, सब लोग खैर खैरियत से होंगे वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ बैच टू और uh, आज का जो लेक्चर है वो भी हमारे इस वीक का लास्ट लेक्चर है तो इसमें थोड़ा सा हम ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कल जो आपने मुश्किल मुश्किल से लफज सुने थे आज आप उन्हें दोबारा सुनेंगे लेकिन आज आपको वो कल जितने मुश्किल नहीं लगेंगे तो हरिस कल कैसा रहा बच्चों का एक्सपीरियंस बच्चों से पूछा आपने ये बच्चे आपको फीडबैक देते मेरे पास तो क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो चुका है बच्चों बच्चे भी फेमिलराइज हो चुके हैं तो वो फीडबैक आता रहता है और बड़ा जिसे कहते हैं कि अच्छा फीडबैक था कुछ बच्चों को ये था कि सर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर कब जाएंगे क्योंकि उनकी एक नेचुरल क्यूरोसिटी होती है कि हमने जो चीज़ें पढ़ तो अब उससे आगे जो है ना फटाफट जल्दी से पहुंचे और जो है ना वो नई चीजें सीखें बट हम क्यों चूंकि नए स्टूडेंट्स भी तो सबको साथ चलना बिल्कुल ही है तो मद्देनजर रख रहे हैं हमारी सारी जो ऑडियंस है उसमें हमारे पास कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट से लेके इंटर के लोगों तक है सात आठ साल के बच्चों का मैं जानबूझ के नाम नहीं लेता क्योंकि हम जबरदस्ती उन्हें कह रहे हैं कि अभी तुम लोगों का ए आई पढ़ने का टाइम नहीं।, 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 नहीं अभी तुम लोगों का खेलने कूदने का भागने दौड़ने का रेस्ट करने का टाइम है सो ये सारी डाइवर्स ऑडियंस हमारी जो है हमें इसको साथ लेके चलना है तो चीजें आएंगी एक 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 बैलेंस स्पीड के साथ आएंगी लेकिन इस बार उसमें काफी मजेदार टचेस होंगे और कुछ आपके लिए सरप्राइजेस भी होंगे मुझे उम्मीद है वो अनप्लेजेंट नहीं होंगे ग्रेट सो इरफान लास्ट लेक्चर में जो चीजें बेसिक रखी वो इस वजह से है कि मैंने लास्ट लेक्चर के शुरू में बताया था आप लोगों को कि बैच टू के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बैच वन की जरूरत है लेकिन उन्होंने बैच वन नहीं पढ़ा और अब वो पढ़ेंगे भी नहीं उन्होंने यहीं से ही शुरू करने है और वो मेजोरिटी है तो इसलिए हर चीज हम पहले ही चंद लेक्चर से नई नहीं, नहीं कर सकते ये जब नई आएगी ना मैं आपको आज बता रहा हूं एक क्लिप निकाल लीजिएगा फिफ्टी परसेंट तादाद रह जानिए अगले दिन इस दफा जो हाथ लगना है मैं आपको बता रहा हूँ फिफ्टी परसेंट जो ऑडियंस है ना उसने भाग जाना

ये कैसे कह देते हैं कि ये मुझे आता है ये एक्सपर्ट है या ये नहीं है इस तरह की चीजें कॉल प्लीज। जी प्लीज। आप स्लाइड okay. पे आ शुरू करें। जी, बिल्कुल ठीक है हारिस मेरे ख्याल आप स्लाइड शेयर करें पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड कि हम पांच मिनट का एक ओवरव्यू ले, ले। बिल्कुल तो कल हमने बात स्टार्ट की थी कि एआई क्या होती है और मैंने अर्ज किया था कि ए को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम बायोलॉजिकल ब्रेन से डिजिटल ब्रेन की तरफ आना चाहते हैं तो कैसे बना सो ए आई वो डिसिप्लिन है जिसमें हम डिजिटल ब्रेन बनाना सीखते हैं। उसके बाद हमने ए आई को थोड़ा सा डिस्टिंग किया था दो डोमेन्स में हमने ए एन आई या आर्टिफिशियल ने। इंटेलिजेंस की बात की थी और मैंने अर्ज किया था कि जितनी ए आई हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं जिसमें कंप्यूटर विजन है टॉपिक क्यूं? किसी किसी के इर्द गिर्द घूमती है कोई स्पेसिफिक मसला हल करती है इसलिए हम इसे फोकस्ड है, है और फिर हमारे पास एक जो दूसरी ब्रांच थी हमने उसे एजीआई के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की सिंपल डेफिनेशन ये थी कि जो हम कर सकते हैं वो भी कर सकते जरा दूर है लेकिन इतनी दूर नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं बिल्कुल इसमें मैं ये कहूंगा, ये चीज जो लिखी है ना कि जो सर ने कही है बात के वो तमाम चीज जो एक इंसान कर सकता है वही एक मॉडल कर सकता है तो ये 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 लाइन आपने अपने जहन में बिठा के रखनी है ताकि जब आगे जाके जब बात करें और जब कॉन्सेप्ट आपको समझाना शुरू करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि देखने में तो बहुत मुश्किल चीज है लेकिन जब समझने आप उसको बैठेंगे एक तरीके से एक सिस्टमेटिक वे से तो चीजें कितनी आसान है जो कि आ, देखने में एक पहाड़ जैसी मुश्किल चीजें लगती है जिनको सर करना बिल्कुल ऐसा ही है और उसके बाद फिर मैंने आपको आइडिया दिया था कि ये जो आप ए से रिलेटेड लफज सुनते हैं ए आई अच्छा मैं मशीन लर्निंग की जगह एम एल कह रहा हूँ मुझे मैं जानबूझ के कभी मशीन लर्निंग कहूंगा कभी एम एल कहूंगा ताकि आपका ब्रेन जो है ना वो ट्यून हो जाए सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ML, है है मशीन तो मशीन लर्निंग लर्निंग ठीक तो कभी कभी जाएंगे दोनों एक ही चीज के दो नाम है मैं सिर्फ एब्रीवेशन कर रहा हूँ और साथ हमने डीएल या डीप लर्निंग की बात की थी और मैंने बताया था कि इनमें रिलेशनशिप क्या है ए आई हमने देखा था कि एक वाइड ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है बिल्कुल उस वाइड ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस का एक सबसेट मशीन लर्निंग है फर्क यह है कि मशीन लर्निंग को हार्ड कोडेड रूल नहीं देने पड़ते मशीन लर्निंग गिवन डेटा से गिवन पास्ट एक्सपीरियंस से खुद बहुत सीख लेती है ठीक है उसके बाद हमने डीप लर्निंग को डिस्कस किया था कि डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग ठीक है कि डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग है हर वो चीज जो हम मशीन लर्निंग में करते हैं वही डीप लर्निंग है लेकिन फर्क सिर्फ क्या है कि हम इसके लिए जो एल्गोरिदम यूज करते हैं मशीन लर्निंग करने के लिए वो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड होके बने और उन्हें हम न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं तो डीप लर्निंग इज स्टडी ऑफ न्यूरल नेटवर्क स्टडी ऑफ डूइंग मशीन लर्निंग विद न्यूरल नेटवर्क्स ठीक है तो उम्मीदा क्लियर हो गया होगा कि क्या है एम एल क्या है और डी एल या डीप लर्निंग क्या है उसके बाद हारिस मेरा ख्याल है कि आज ये तो हमने डिफरेंस मेरा ख्याल है डिस्कस कर दिया, कर दिया था अब हम... आज हम थोड़ा सा जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यानी अब जब मैं कह रहा हूं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स, तो मैं actually artificial narrow intelligence की टाइप कह रहा हूं बताया था कि हम इस कोर्स में जो कुछ भी स्टडी करेंगे वो आर्टिफिशियल है ठीक है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम के लिहाज से फंक्शनैलिटी के लिहाज से हम तीन बड़ी ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते एक है पहले सिर्फ नाम सुन ले आप फिर हम बा, बाद में ना इसकी तरफ आएंगे कि इन नामों का मतलब क्या है सुपरवाइज लर्निंग सुपरवाइजर सुना होगा ना आपने सुपरवाइजर यार ये फलां बंदा सुपरवाइजर लग गया क्या जेन में आता है सुपरवाइज से कि यार वो ऐसा बंदा है जो लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ये काम करो ये काम करो ये काम करो सुपरवाइज लर्निंग में भी कुछ ऐसा ही होता होगा अब अगर सुपरवाइज लर्निंग है तो डेफिनेटली दूसरी कोई टाइप होगी वो अनसुपरवाइज होगी जिधर लोग खुद ही काम कर लेते होंगे उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी और तीसरा जो है वो जरा मजेदार सा है। री ठीक तो अच्छा अब सुपरवाइज लर्निंग को डिस्कस करने से पहले हमें ना डेटा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना ये चीज आपको क्लियर है कि जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है अब यहां एक और मजे की बात है जब मैं मशीन लर्निंग कहता हूं, डीप लर्निंग ऑटोमेटिकली मजे की बात हमने जो देखी मशीन लर्निंग के अंदर के अंदर वो डेटा से सीख इसका मतलब है कि अगर डेटा नहीं है तो मशीन लर्निंग कुछ नहीं सीख सकेगी इसका मतलब है कि हमें थोड़ा बहुत तो डेटा के बारे में भी पता होना चाहिए ना क्यों क्योंकि मॉडल कैसे बनता है एआई का मेथड होता है डाटा होता है वो मिल के मॉडल बनता है जिससे फिर हम एआई का काम लेते हैं तो अब हमें ये देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाटा किस किस तरह का होता है जो सबसे पहली टाइप है डेटा की उसे हम कहते हैं लेबल्ड डाटा अब ये लेबल्ड डाटा क्या होता है ये बड़ी मजेदार बात है फॉर एग्जाम्पल मैंने कल आप सबको पहली दफा पढ़ाया आप में से एक बंदा आया उसका एक फेस है लेकिन मैं चाहता हूं मैं उसे नाम से बुलाऊं। अब वो जो आपका फेस है या आप खुद हैं या आपके फेस की तस्वीर है ना वो डेटा है आपका नाम आपका लेबल है तो मैं मैं कहूंगा माजिद तो माजिद जवाब देगा मैं कहूंगा सुहेब तो दो सुहेब जवाब देंगे तो मुझे थोड़ा सा डिस्टिंग करना पड़ेगा एंड सो ऑन मैं को तीसरे बंदे का नाम लूंगा तो वो बंदा तो आप जो लोग आ रहे हैं वो data है, लेकिन जिस नाम से मैं उन लोगों को पहचान रहा हूं वो उनके लेबल है अब मैं इसी चीज को इसी स्टोरी को आप जेन में रखें तो मैं इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इमेजेस है इमेज में दो टाइप के इमेजेस हैं एक में पिज्जा है एक में पिज्जा नहीं है अब मैंने सौ इमेजेस में पहली तस्वीर साथ मैंने लिखा ये पिज्जे की तस्वीर है दूसरी तस्वीर साथ मैंने लिखा ये पिज्जा नहीं है तीसरी तस्वीर ये पिज्जा की तस्वीर है तो वो जो पिज्जा की तस्वीर है वो डेटा है और जो साथ में पिज्जा लिख रहा हूं वो क्या है लेबल है वेरी गुड सिमिलरली वो तस्वीर जिसमें पिज्जा नहीं मैं कह रहा हूं ये पिज्जा नहीं है तो वो तस्वीर डेटा है लेकिन जो उसके साथ इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है वो लेबल ठीक है तो डेटा और लेबल का ताल्लुक आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए इरफान इस पे अगर आप कुछ ऐड करें कोई अच्छी सी दे एग्जांपल दे है ना डेटा और लेबल की जो मेरे ख्याल में हर बंदा समझ पाएगा वो एक्सेल शीट्स हैं जो आप एक्सेल शीट यूज करते हैं जब आपके पास एक कॉलम होता है उसके अंदर कॉलम के ऊपर एक लेबल लगा होता है कि भी इस कॉलम के अंदर एज है जेंडर है इस कॉलम के अंदर प्राइस है तो आप उस कॉलम को पूरे कॉलम के अंदर जो डेटा होता है उसको एक कॉलम के टॉप के ऊपर लेबल लगा के डिफाइन कर देते हो कि इधर हमने क्या रखा है तो आपके पास उस लेबल से देख के अंदाजा लगाते हैं या इसकी दूसरी एग्जांपल आप जो हाउस होल्ड लोग वाइफ हैं वो ये देखती हैं कि आप अपने घर में कैबिनेट्स बनी होती हैं और अगर Cabinet के अंदर आप बहुत सारे uh, हैं और आप हर सेक्शन को लेबल कर दो कि इसके इसके uh, इसके अंदर इसके अंदर अंदर हमने रखे हुए हैं हैं के क्या है और आप एक बाहर लेबल रख लो अंदर अपने सारा डेटा रख लो तो लेबल से अंदाजा हो जाता है कि आपने कौन सा रैक खोलना है और कौन सा रैक खोलने पे अंदर आपको आगे क्या मिलेगा तो बाहर लेबल प्रोवाइड ले दिया जाता है बाजू का ऐसा होता है कि आप लेबल नहीं लगाते कोई लेबल नहीं लगाते और अंदर डेटा रख देते हो देर आर चांसेस कि आप मिस कर जाओगे कि कौन सा रैक खोल के क्या चीज निकालनी आप दो तीन चार रैक खोलोगे और फिर जाके सही रैक तक पहुंचेगे और आप सही रैक रैक तक पहुंचेगे, तो फिर आपको समझ आ कि सही क्या एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा आई होप कि वो सब, सब सब ही उससे तक रिलेट कर लेंगे के छोटे बच्चे जो हमें जिनको हमने मना नहीं नहीं किया देखने से वो बिल्कुल आपने छोटे बच्चे देखे ना हर घर में छोटे बच्चे आप भी इस एस, एज से गुजरे हैं कि जब आपको पहली दफा अल्फाबेट सिखाने थे ए बी सी सिखानी थी तो आपको जो बुक दी जाती है वो किस तरह की बुक होती है उस कायदे के अंदर इमेज दी जाती है एप्पल की साथ उसका लेबल दिया होता है ए असल मकसद होता है कि आपको याद करवाना है कि ए एक अल्फाबेट है लेकिन आपको याद किस तरह करवाया जाता है ए फॉर एप्पल और अब डेटा आपका क्या है वो बच्चे के माइंड में आप फीड कर रहे हैं पिक्टोरियल इमेज एप्पल की जैसे ही वो कहीं पे एप्पल देखता है उसके मुंह से निकलता है ए फॉर एप्पल और जब उसका टेस्ट भी लिया जाता है तो क्या करते हैं एप्पल की इमेज दे देते हैं और वो फिर आगे उसका अल्फाबेट लिखता है जब उसकी टेस्टिंग की जा रही थी कि इसने कितना अच्छा चीजों को याद किया है तो इसी तरीके से तो तमाम मॉडल्स को एक डेटा दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग लेबल्स याद करवाए जाते हैं उन, उनको वो प्रिडिक्ट करता है ठीक है तो डेटा आपकी लर्निंग के लिए कि आप चीजों को लर्न कर सको उसमें से जब कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे तो उसमें से पैटर्न्स भी निकलेंगे लेकिन सिंपलर एग्जांपल के ऊपर कि एक पिक्चर दी गई उसके साथ उसका एक लेबल एसोसिएट कर दिया गया जिसको आपने बाद में प्रेडिक्ट करना है बिल्कुल सही और आई थिंक वी ह बिल्कुल सही है अब लेबल डाटा आपको आइडिया हो गया तो अनलेबल्ड डाटा ऐसा है कि जैसे आपके मोबाइल के अंदर तस्वीरें पड़ी वो इतनी ज्यादा तस्वीरें हैं कि आप उन्हें लेबल नहीं कर सकते मतलब ये फलां की तस्वीर है ये फलां की तस्वीर है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट तो हमारे पास इससे एक और जो हमें चीज पता चलती है हमारे पास मेजोरिटी ऑफ डाटा अनलेबल्ड है पहली बात दूसरी बात ये है कि हमें लेबल्ड डाटा बनाने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है एक एक तस्वीर देखेंगे उसका लेबल रिकॉर्ड करेंगे अगली तस्वीर देखेंगे लेबल रिकॉर्ड करेंगे ये बहुत मुश्किल और कंबरसन काम है मतलब डिफिकल्ट काम है डेटा को लेबल करना ठीक है तो अब हमें दो टाइप का डाटा जो है वो हमें क्लियर हो गया लेबल्ड डाटा ऐसा डाटा जिसके साथ उसकी कोई डिटेल भी है जैसे पर्सन की तस्वीर है उसके साथ नाम है या एप्पल के साथ ए है या वो जैसे इरफान ने एक्सल की एग्जाम्पल तो डेटा साथ, साथ तो एक चीज और बताता जो यहाँ पे के जो लोग नए हैं और ए को शायद एडवांस लेवल को एंड तक नहीं ले जा पाएंगे तो मैं उनको ये बताऊं डेटा लेबलिंग भी एक पेड जॉब है जिसके आप जिसके अंदर आप हैंडसमली अर्न कर सकते हैं फ्रीलैंसिंग की दुनिया में एक ऐसी चीज जिसको ज्यादातर लोग एक्सप्लोर नहीं करते कि आपको रॉ डाटा दिया जाए और आप उस रॉ डाटा को डिफरेंट टेक्निक्स के साथ आगे हम ये भी आपको पढ़ाएंगे सिर्फ आपने उस डेटा को बहुत कुछ करना होता है लेकिन उनमें लेबल भी एक चीज होता है डेटा लेबलिंग तक भी आप पैसे कमा सकते हैं इसके आगे अगर आपको यह समझ में नहीं आती ये बात नोट कर लें आगे आप इसको मजीद डिटेल में जाएंगे डाइव इन करेंगे इसके अंदर इरफान ये आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई अब आप कहीं भी डेटा लेबलिंग का लफज सुनेंगे तो अब आपके जहन में एक आइडिया होगा कि यार ये क्या जॉब है ठीक है सो दैट इज वेरी डेटा लेबलिंग एक पेड प्रोफेशन है और एक पेड़ जॉब है आपने क्या करना है आपको अनलेबल्ड बहुत सारी तस्वीरें दी हैं आपने हर तस्वीर या हर सेंटेंस भी हो सकता है ना कि ये सेंटेंस गुस्से वाला है ये सेंटेंस नरमी वाला है ये सेंटेंस सैड है एंड ऑन so तो मैंने इमेज की एग्जांपल दी लेकिन आपको पता है कि टेक्स्ट को भी लेबल किया जा सकता है ठीक है तो लेबल्ड डाटा हमारे लिए बहुत कीमती होता है और लोग जैसा इरफान ने बताया कि डाटा लेबलिंग एक पेड प्रोफेशन है तो डाटा लेबलिंग एक टेक अवे है इट्स अ जॉब एंड इट्स अ वे टू अर्न मनी अच्छा अब अनलेबल्ड डाटा भी हमारे पास हमें पता है क्या होता है डाटा की एक और भी तरीके से हम उसे डिफाइन करते हैं वो है स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ठीक है अच्छा इसे समझना बहुत ही आसान है हर वो डेटा जो टेबल की शक्ल में होता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहे वो एक्सेल की शीट के अंदर है चाहे वो डेटाबेस के अंदर है चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में है अगर उसमें रोज एंड कॉलम्स हैं तो वो स्ट्रक्चर डाटा ठीक है स्ट्रक्चर डाटा अब आपको बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए हर वो डेटा जो टेबल की शक्ल में है वो स्ट्रक्चर डेटा। अब हम वापस आ जाते हैं फिर अनस्ट्रक्चर डेटा क्या है अनस्ट्रक्चर डेटा की मेनली जो टाइप्स हैं वो तीन टाइप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं सबसे पहली टाइप है रिटर्न टेक्स्ट हमारे पास रिटर्न टेक्स्ट या जितने भी सेंटेंसेस हैं कोई सेंटेंस छह वर्ड्स का होगा कोई दस का होगा कोई चार का होगा कोई तीन का भी हो सकता है ठीक सो so, ये अनस्ट्रक्चर्ड क्योंकि इसमें कोई टेबल नहीं है इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हमारे पास जो दूसरा डाटा वो है इमेज तस्वीर अच्छा आप जब एक तस्वीर देखते हैं ना फॉर आपने बिल्ली की तस्वीर देखी तो आपका माइंड ट्रेन है आप वो देखते हैं कि यार ये तो कैट है आपको पता है कंप्यूटर तस्वीर कैसे देखता है उसके लिए वो कैट की तस्वीर नहीं होती वो सारे नंबर होते हैं एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स होता है मैथ के अंदर जो मैट्रिक्स हमने पढ़े थे ना वो मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर होते हैं अब आप सोचेंगे कि बहुत सारे नंबर देख के उसने ये बताना यार ये बिल्ली है कि बिल्ली नहीं सो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की दूसरी टाइप जो है वो इमेज है ठीक है पहली टाइप मैंने बताई रिटन लैंग्वेज या टेक्स्ट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दूसरी टाइप मैंने बताई कि जो इमेजेस है वो इमेजेस भी अनस्ट्रक्चर डेटा तीसरी टाइप डेफिनेटली अब स्पीच या जो हम बोल रहे हैं या जो ऑडियो है अब ये ऑडियो भी तो वेव लेंथ फ्रीक्वेंसीज है ना कोई स्ट्रक्चर हम हमारे अगर हमारे पास ये कान ना होते तो हम ये स्ट्रक्चर कभी आइडेंटिफाई ना कर सकते और इनफैक्ट अगर मैं आ, 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 आपके सामने कोई ऐसी जुबान बोलूं जो आपने जिंदगी में कभी ना सुनी हो तो आपके लिए भी वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही है आपको पता ही चलेगा वो क्या सो so, जो ऑडियो या स्पीच के सिग्नल्स हैं वो भी हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तो हमारे पास दो टाइप का डेटा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तीन टाइप का मैंने बताया इमेज टेक्स्ट स्पीच और स्ट्रक्चर डेटा मैंने बताया हर वो डेटा जो टेबल की फॉर्म तो उसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं तो डेटा अब हमें क्लियर हो गया होगा हमने लेबल डेटा की बात की हमने अनलेबल डेटा की बात की फिर हमने स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात की फिर हमने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात की सो डेटा so, में अब हम कंफर्टेबल है तो अब हम वापस टाइप्स पे आ जाते हैं मशीन लर्निंग ठीक है सुपरवाइज लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग सिर्फ लेबल्ड डाटा से हो सकती है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास एक मॉडल है आपके पास एक मेथड है मैं मॉडल अभी नहीं कहूंगा अच्छा ये मॉडल का लफ्ज़ आपने यही में बहुत सुना होगा तो पांच से दस मिनट में हम एल्गोरिदम और मॉडल के दरमियान हमें फर्क भी पता चल जाएगा कि यार एल्गोरिदम क्या होता है और एल्गोरिदम मॉडल कब बनता है हर एल्गोरिदम मॉडल नहीं होता ये आपने जेन में रखना है एल्गोरिदम एआई में बहुत सारे हैं ठीक है आप सुपरवाइज लर्निंग की हम सबसे पहले बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग का मतलब ये है कि मैं एल्गोरिदम को कैट की तस्वीर दिखाऊं और उसे बताऊं ये कैट है एल्गोरिदम को नॉन कैट की तस्वीर दिखाऊं उसे कहूं ये कैट नहीं है और उसे इसी तरह मैं तस्वीरें दिखाता जाऊं और साथ लेबल समझाता जाऊं देखा लेबल का फायदा किधर हुआ सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल के बगैर लर्निंग नहीं हो सकती इसीलिए तो हमने लेबल लगाए थे वरना हमारा जो ए आई का मेथड था उसे समझ में नहीं होना अच्छा अब जब मैंने अपने ए आई के एल्गोरिदम या मेथड को सौ इमेजेस दिखा दिए जिसमें बिल्ली के इमेजेस भी थे और नॉन कैट इमेजेस भी थे तो अब मुझे लगता है यार इसे काफी हद हाँ तक समझ आ गई है अब मैं मैं उसको एक अननोन इमेज देता हूं उसे कहता हूं बताओ ये, ये बिल्ली का इमेज है या ये बिल्ली का इमेज नहीं है अब ये मैं उससे प्रडिक्शन करवा और अब वो एल्गोरिदम मॉडल बन गया पहले वो सिर्फ एल्गोरिदम था मैंने उस एल्गोरिदम को डेटा दिखा दिखा के सिखाया मैंने उसको तस्वीरें दिखाई और बताया कि ये फला तस्वीर है ये फला तस्वीर है ये फला तस्वीर है ये बड़ी खूबसूरत स्लाइड हारिस ने बनाई हुई है कि हमारे पास पिक्चर्स हैं तीन टाइप की हम पहली पिक्चर देते हैं अपने एआई के एल्गोरिदम को और एआई के एल्गोरिदम को कहते हैं बताइए क्या है वो कहता है वो गलत जवाब देता है हम कहते हैं नहीं ये सर्कल है वो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करता है हम उसे अगली तस्वीर दिखाते हैं उसे कहते हैं बताइए क्या है वो कहता है ये ट्राइंगल है अगर वो तस्वीर ट्रायंगल की हम कहते हैं वेरी गुड शाबाश हम उसे अगली तस्वीर दिखाते हैं वो फिर गलत प्रेडिक्शन करता है हम उसे कहते हैं नहीं अपने आप को और बेहतर करो हम तस्वीरें दिखाते जाते हैं अल्टरनेटिवली एल्गोरिदम अपने आप को बेहतर करता जाता है एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसे उन तस्वीरों के अंदर पैटर्न या रूल्स ठीक है मैंने रूल्स का लफ्ज जानबूझ के यूज कि वो तस्वीरों के अंदर छुपे हुए पैटर्न या रूल्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं चीज हो तो ट्रायंगल मैंने कहना है इस किस्म की चीज हो तो मैंने सर्कल जो आप देना है इस किस्म की चीज हो तो मैंने स्क्वायर कहना है। मैंने रूल कहना मैं सिर्फ डेटा दिखाया एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जब एल्गोरिदम गलत प्रिडिक्शन कर रहा था जब हमने एल्गोरिदम को बताया सर्कल दिया और उसको बताया पूछा कि बताओ ये सर्कल है या नहीं है तो एल्गो ने गलत किया वो फिर भी एल्गो था वो मॉडल नहीं बना था लेकिन एलगोरिदम था चाहे वो प्रोडिक्शन गलत कर रहा रहा है है या ठीक कर क्योंकि एलगोरिदम में हमने ये कहा कि आपको एक चीज भेजी जाएगी आपने उसको इस तरह से असेस करना है और ये प्रोडिक्शन देनी है एलगोरिदम के अंदर हमने एक सीक्वेंस एंड स्टेप डिफाइन किया जब एल्गोरिदम्स को ट्रेन किया जाता है करेक्ट किया जाता है और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती जब आप अपने मॉडल बना रहे होंगे तो एल्गोरिदम के अंदर सिर्फ एलगोरिदम ट्रेनिंग के बेस पे ठीक नहीं होता आपको जाके उसके अंदर कोडिंग एंड ट्विक्स करनी पड़ती हैं एलगोरिदम को ठीक करना पड़ता है तो किसी हद तक हम उसको डेटा से ठीक करते हैं किसी हद तक हम उसको कोड करके ठीक करते हैं जब एलगोरिदम अपनी एक परफेक्ट स्टेट में आता है जब हमें लगता है कि देर इज नथिंग वी कैन डू इन टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग बट वी कैन ओनली मेक इट पर डेटा और उसकी प्रोडिक्शन एक स्टैंडर्ड पे पहुंच जाती है और हम उसको डिक्लेयर करते हैं ना ये एक मॉडल बन चुका है तो एल्गोरिथम को आप ये मत कीजिएगा कि एल्गोरिथम जो है ना इट इज ऑल अबाउट डेटा कि जितना डेटा होगा उतना होगा आप एक स्टूपिडली लिखे हुए एल्गोरिदम को दुनिया का बेहतरीन लेबल डेटा दे दें वो प्रोडिक्ट फिर भी नहीं करेगा तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं और इस एडवांस कोर्स के अंदर कहीं ना कहीं जाके हम ये कोशिश करेंगे कि जब मॉडल्स बना रहे होंगे तो हम बताएंगे कि एलगोरिदम के अंदर प्रोग्रामिंग लेवल पे जाके किस तरह के चेंजेस करने पड़ते हैं बट ये जो सामने एग्जाम्पल है दिस इज अ परफेक्ट फिट कि तीन तरह का डेटा यूज किया गया है सर्कल है स्क्वायर है ट्रायंगल है सिस्टम को बता दिया है कि सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल जब हम उसको सर्कल देते हैं तो सर्कल बताता है स्क्वायर देते हैं तो स्क्वायर बताता है ट्रायंगल देते हैं तो ट्रायंगल बताता है आप मुझे कोई कमेंट करके ये बताते हैं कि इसके अंदर अगर हम कुछ चौथी शेप देंगे तो हमें क्या बताएगा आई एम नाउ नाउ टेस्टिंग द स्टोरी दैट यू हैव इन योर ब्रेन कि मैं इसको कोई ऐसी शेप देता हूं

ये फोन है ठीक है आप उसे कहते हैं फोन के साथ आप उसे कहते हैं कि बेटा ये ना एक चार्ज करने वाली डिवाइस है इसे पावर बैंक कहते हैं ये दो चीजें दी उसे और उससे पूछा कि ये क्या है अभी इस पे उसको ट्रेन नहीं किया अब वो क्या कहेगा मोस्टली क्या कहेगा अब इसकी शेप देखें किस तरफ जा रही है ज़्यादा? दे बिल्कुल नहीं ये मेरे पास जो फिजिकल क्लास बैठी है इनके जवाब तो बहुत प्रॉमिसिंग चलिए उनके जवाब को छोड़ देना वो बेचारा नहीं देख पा रहे लेकिन काफ़ी लोग तो देख रहे होंगी दो चीजें होंगी डॉक्टर साहब एक और आ गया आगे आप जरा आगे लें इसका जवाब दें इनको इन्होंने बहुत आगे चले गए ये बेहतरीन जबरदस्त देखें शॉर्ट एंड स्वीट आंसर ये है कि उसे उन तीन के अलावा किसी चौथी चीज का नहीं पता तो वो देखेगा कि यार फॉर एग्जाम्पल आपने उसे रेक्टेंगल दे दी अब रेक्टेंगल डज लुक स्क्वायर राइट वो मुरब्बा जैसी है थोड़ी सी फर्क है तो मॉडल कहेगा यार ये स्क्वायर है अगर आप उसे मल्टीपल कोई कॉर्नर वाली चीज देंगे जो ट्रायंगल से मिलती जुलती है तो वो कहेगा यार ये तो ट्राइंगल है ठीक है तो जब आप को ट्रेन करते हैं और आप बताते हैं कि तुम्हें सिर्फ इन तीन या चार या पांच चीजों में से जवाब देना है तो वो छठी चीज उसमें नहीं होती इसलिए एक बेहतर आइडिया ये होता है कि आप एक कैटेगरी रख दें अदर की ठीक है तो यूजली फिर जब इस किस्म का मॉडल होता है तो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है क्योंकि उसके पास एरर का मार्जिन आपने छोड़ दिया मैं वो बता देगा अदर कि मुझे नहीं पता कि ये क्या है समथिंग अदर मतलब समथिंग अदर देन सर्कल स्क्वायर और ट्रायंगल अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों को डॉक्टर साहब की आवाज ब्रेक हो रही है मेरी आवाज ब्रेक हो रही है मैं सुन नहीं पा रहा डॉक्टर साहब को हाँ भाई मैसेज करके जवाब दे बच्चों मुझे ना दादा की सैड पे इंटरनेट करा क्योंकि यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात सिखाना चाहता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने कल को मॉडल्स बनाने हैं आपको मेरी आवाज आ रही है देर इज हमारे पास तो ऑडियो ठीक है आपकी सर अच्छा चलें क्योंकि आप लोगों की पिक्चर मेरे पास फंसी हुई है तो I'll, I'll अच्छा जब ये मैंने सवाल पूछा तो किसी वजह से पूछा जवाब पॉसिबल जवाब ये कि आ, आया मेरे पास के सर, एरर आएगा इंफॉर्मेशन होगी गलत प्रडिक्शन होगी तो जब कभी आप जिंदगी में अपने मॉडल या कोई भी एल्गोरिदम बना रहे होते हो तो आप लोगों ने ये डिसाइड करना होता है कि किस केस में क्या होगा पॉसिबल आइडेंटिफिकेशन करनी होती है फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चे को ट्रेन करते हैं कि तीन लोगों के बारे में अपने बच्चे को बताते हैं कि घर में अगर ये शख्स आया तो इसको यहां बिठाना ये शख्स आया तो उसको वहां बिठाना, तो बिठाना और ये शख्स है तो उसको आपने ये करना है आपने तीन अशास का बता के उसके दिमाग में डेटा फीड कर दिया हुआ यह कि दरवाजे पर बैल हो चौथा आदमी आ गया तो ये अब आपने ये भी तो डिसाइड करना है कि अगर चौथा आएगा तो क्या बच्चे ने बदतमीजी करनी है या उससे पानी पूछना है या उसको किस तरह से हैंडल करना है उसको उसको क्या करना तू जा तू तू इंसान ही नहीं है मतलब हाउ जिस तरह से वो बच्चा ऐसी सिचुएशन में बिहेव करेगा ये है आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स हाउ यू यू हैंडल द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स दैट आर नो जस्ट अगर ये ना हुआ तो क्या होगा हो सकता है आप अपने बच्चे को यूं ट्रेन करें कि अगर ये चार लोग ना आए तो हो सकता है अगर इनसे कोई बुजुर्ग आया तो उसको यहाँ के ये वाला ट्रीटमेंट देना अगर कोई बच्चा आया तो उसको चलो लॉन में बिठा देना अगर वो एग्जैक्ट शख्स नहीं है तो उस जैसा कोई शख्स है तो उसके साथ ये ट्रीट करना तो ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी होगी जब आप मॉडल बना रहे होंगे एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे होंगे लिख रहे होंगे इन केसेस को हैंडल करना होता है कि जब समथिंग जो कि प्रोडिक्शन में नहीं आएगा आपको पता होगा तो उसको हैंडलिंग भी आपने करनी होती है तो ये आप माइंड में रखिएगा जब हम उस तरफ जाएंगे क्योंकि एडवांस कोर्स है इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस कोर्स के अंदर दो नई चीजें भी होंगी एक एथिक्स प्रोग्रामिंग एथिक्स थोड़े से और दूसरा हम आगे जाके क्लाइंट मैनेजमेंट क्लाइंट हैंडलिंग यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से चीजों को ख्याल रखना क्लाइंट के शूज में जाके सोचना प्रॉब्लम की तरफ जाके सोचना कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करना है वो सारी चीजें ऐड होगी अगर मैं वो आज ऐड करूंगा तो आप समझेंगे ए आई कहाँ हालांकि हो डायरेक्टली ए होता है तो प्लीज कीप इन माइंड दैट कि ये होगा और अगर आपने उस मॉडल को स्टोरी के लिहाज से अपने माइंड में बिल्ड किया होता तो इतने सारे गलत जवाब ना आते बट एनिओ वापिस स्लाइड पे आ जाओ आर एस भूलेगा नहीं अब तो सुपरवाइज्ड लर्निंग से मॉडल हमारा ट्रेन हो गया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग लेकिन इस जगह पे ना एक चीज आपको बताना बड़ा जरूरी है सुपरवाइज्ड लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपरवाइज्ड लर्निंग में दो काम होते हैं एक तो ये है कि आप या तो मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं या आप उससे प्रेडिक्शन कर रहे हैं ऐसा कभी नहीं होता कि मॉडल ट्रेन भी हो रहा और प्रेडिक्ट भी कर ठीक है सो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि अगर को क्लाइंट से ए आई की बात हो रही हो तो अब ये कभी ना कहें कि ये इसको डाटा देते जाएंगे तो साथ खुद ही ट्रेन भी होता जाएगा ए आई या सुपरवाइज लर्निंग खास तौर पर यह मैं एक्सप्लिसिटली स्पेशली सुपरवाइज लर्निंग के लिए कह रहा हूँ कि सुपरवाइज लर्निंग को जब आप ट्रेन कर रहे हैं तो वो अपडेट हो रहा है लेकिन जब आप उसे सिर्फ प्रोडिक्शन ले रहे हैं ना तो वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा वो सीख नहीं रहा सिखाना आपने अलग है उसमें ठीक है तो जो पहला मोड है उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग मोड जो दूसरा मोड है जिसमें हम उसे अननोन डेटा दिखाते हैं और उसे प्रोडिक्शन लेते हैं इसे कहते हैं इन्फ्रेंस मोड ठीक ट्रेनिंग मोड में आप इमेज और डेटा यानी के डेटा डेटा और 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 लेबल 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 अच्छा अब मैं इमेज की जगह ना कहना शुरू कर रहा डॉक्टर एक चीज ट्रेनिंग इसीलिए आपने हाँ टेस्टिंग बताए थोड़ा सा आइडिया दे, दे दें क्योंकि जब हम डेटा को सेग्रीगेट करेंगे तो एटलीस्ट अगर आपने अपने मॉडल को टेस्ट नो डेटा और अननोन डेटा के साथ बता दें ये ये बड़ी अच्छी बात है आपने जब भी मॉडल ट्रेन करना है ना तो इरफान ने बड़ा राइटली कहा कि आपके पास ट्रेनिंग डेटा होगा लिमिटेड आपने मॉडल ट्रेन कर लिया सारे इमेजेस दिखा के अब आप टेस्ट कैसे करेंगे कि यार ये मॉडल कितना अच्छा इसकी एग्जांपल यूं लें कि आपने एक बच्चे से एग्जाम लेना है आपने उसे एक बुक के अंदर सारे पेजेस रटवा दिए अब आप उसका टेस्ट लेना चाहते हैं वो बुक तो उसको सारी चीजें पता है आपने ये कैसे देखना है है कि कि यार उसे उसे अंडरस्टैंडिंग भी हुई है कि नहीं तो आप कोई नई चीज दिखाएंगे ना जिससे वो अपने नॉलेज को यूज करते हुए जवाब देगा तो आप ट्रेनिंग डाटा को यूजली हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं उसका कुछ हिस्सा जिसे हम ट्रेनिंग डाटा कहते हैं वो उससे आप मॉडल को ट्रेन करते हैं और बाकी हिस्सा जिसे हम

प्रडिक्शन करवाएंगे वेरी गुड अब जब आप अनोन डाटा दे के मॉडल से कहेंगे कि बुझो ये क्या है या प्रिडिक्ट करो ये क्या है तो फिर आपको पता चलेगा कि यार ये जो मॉडल आपने बनाया इसे कितनी कि मेरी बातें समझ गई ठीक है तो ट्रेनिंग डाटा को आपने कट लगाया जितना आपके पास अवेलेबल था आपने उसका मेजर चंक मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज किया लेकिन कुछ चंक बचा के रख और उस जो बचा के रखा उससे फिर हम मॉडल को टेस्ट करते हैं कि ये मॉडल कितना अच्छा मॉडल अच्छा अब ये जो लफज अच्छा है ना ये डेटा डेटा से से आप आप टेस्ट टेस्ट कर कर रहे रहे होते होते हैं हैं डॉक्टर साहब एक बात ऐड जिस वो डेटा डॉक्टर साहब ने बताया है कि मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ होता लेकिन उसकी एक और भी क्वालिटी होती है कि आपको उस डेटा के अगेंस्ट जो प्रोडिक्शन सही होती है वो आपको पहले पता होती है आपके पास हर चीज का जवाब पहले ही होता है और आपने बस ये देखना होता है क्या ये वही जवाब दे रहा है जो असल जवाब है क्योंकि बाजा आप जिंदगी में या ट्रेनिंग में ऐसे डाटा को भी ट्रेन कर रहे होंगे जो आपके लिए एलियन होगा बट आप सिस्टमेटिकली मॉडल्स ट्रेन कर रहे होंगे लेकिन अगर जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपके पास जवाब होना चाहिए जब हम क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने जाते हैं लेट्स से हम डिजीज प्रडिक्शन करवाते हैं अपने हेल्थ केयर के मॉडल के लिए तो अब डिजीज प्रोडिक्शन के लिए एक हमें नहीं कि सिनेरियो में डिजीज क्या होगी तो जितनी थी हमने मॉडल को फीड कर दी क्योंकि वो लेबल्ड थी लेकिन कुछ सिनेरियो हमने अपने पास रख लिया और साथ में उनके जवाब भी किसी डॉक्टर से पूछ लिए तो वो एज ए टेस्ट के तौर पे डेटा हमने अपने पास रख लिया और फिर मॉडल हमने, हमने को टेस्ट किया कि मैंने इससे दस सवाल पूछे इसने नौ का जवाब ठीक दिया एक का गलत दिया या सात का ठीक दिया तीन का गलत दिया तो मॉडल एक्यूरेसी पे हम बाद में बात करेंगे कि लेकिन जो टेस्टिंग डेटा होता है उसके जवाब आपके पास पहले से मौजूद होते हैं राइटली जबरदस्त ओके सो लर्निंग अब हमें पता है कि उसे सुपरवाइज क्यों कहते हैं क्योंकि उसमें हम डेटा देते हैं लेबल हमें पता होते हैं मॉडल गलती करता है तो हम उसे सुपरवाइज करते हैं कि तुमने गलती की है एक्चुअल लेबल ये था ठीक है तो दैट इज इस किस्म की लर्निंग को हम सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं ठीक तो नाम से आपको आइडिया होना चाहिए कि इसको सुपरवाइज लर्निंग क्यों कह रहे हैं अब हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो है अनसुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग में हम अनलेबल्ड डेटा यूज करते हैं अब आपके जहन में क्वेश्चन ये आएगा कि यार अनलेबल्ड डेटा में तो कोई लेबल ही नहीं है तो मॉडल लर्न क्या करेगा अब ये क्लस्टरिंग सबको नहीं पता <laughs> है ना स्क्रीन को है क्लस्टरिंग उसने बोल दिया <laughs> इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कोई सब्जी फॉर एग्जांपल बैंगन या आलू या शलजम जो फर्क फर्क हो आलू की एग्जांपल ले लेते आपके पास एक बहुत बड़ी ना आलुओं की पेटी है आप उसमें से डिफरेंट साइज के आलू अलग करना चाहते अब आपको स्टार्ट में तो नहीं पता कौन से आलू बड़े हैं कौन से छोटे हैं कौन से बिल्कुल छोटे तो आप, आप उन्हें एक आलू उठाएंगे वो जरा दरमियाना सा होगा एक साइड पे रख देंगे अगला आ... यार ये फर्क है उसे मैं दूसरी साइड पे रख देता हूँ तो इस तरह आप उठाते जाएंगे उनको ग्रुप्स में रखते जाएंगे जब वो पूरी टोकरी खत्म होगी तो आपके पास ना कुछ ग्रुप्स बन जाएंगे एक ग्रुप बहुत छोटे पोटैटोज का होगा एक दरम दरमियाने से साइज के पोटैटोज का होगा एक जरा बड़े से साइज के पोटैटो का होगा अब आपको लेबल नहीं पता थे लेकिन आपने उन डेटा पोटैटोज क्या है डेटा आपने उन डेटा या पोटैटोज की सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज की बेस पे उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर अच्छा आपको यह अभी भी नहीं पता कि कौन सा ग्रुप बड़ा है छोटा है क्योंकि आपने लेबल तो दिया ही नहीं है ना आपको सिर्फ यह पता है कि यार ये ग्रुप मिलता जुलता है दूसरा ग्रुप आपस में मिलते जुलते हैं तीसरा ग्रुप आपस में मिलते जुलते तो इस तरह आप अनलेबल्ड डेटा को ग्रुप्स या क्लस्टर्स में डिवाइड कर ये एक एप्लीकेशन है

बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को आप एक जगह एक बास्केट में इकट्ठा कर लें एंड देन एक जैसी चीजों को अलग करते हैं और एंड में प्रेडिक्ट ये करना होगा कि वेजिटेबल क्या है जब मॉडल ये देखेगा कि ये वेजिटेबल क्या है तो वो मॉडल डिसाइड करेगा कि इसके क्लोजेस्ट जो ग्रुप है जिससे ये मिलता-जुलता है वो कौन सा है आप उसको तरबूज दें या लेमन दें तो मॉडल के लिए आसान होगा कि इसको किस ग्रुप में डालना है बेस्ड ऑन फ्यू फैक्टर्स आप इसको इस तरह से भी सेग्रीगेट कर सकते मैं से एक, uh, हैं मैं थोड़ा सा और एक अनाउंसमेंट भी समझता हूँ लोग कंपनी है हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं हमारा पब्लिक uh, ऑफिस कोई नहीं है दिस इज नॉट एन इंस्टीट्यूट जितना हम कर रहे हैं वो हमारे लिए डिफिकल्ट uh, है बट वी आर हैप्पी टू डू दैट कोई भी शख्स हमारे ऑफिस में बिना बताए नहीं आता प्लीज मत आइएगा क्योंकि हमारे पास फीमेल स्टाफ काम करता है सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं लोग मुझसे मिलने आ जाते हैं बिना अपॉइंटमेंट लिए मैं वहाँ होता हूँ या नहीं होता गार्ड को तो नहीं पता होता कि ये शख्स हमारा जानने वाला है या ये शख्स कोई बुरी नीयत लेके आया है ऑफिस के अंदर कैसे हो सकता है कि ऑफिस के अंदर हम हर आने वाले को एंटर होने दें या ये कैसे हो सकता है कि जब भी कोई शख्स कहीं से भी आए और हमारी टीम जो बिल्कुल फ्री बैठी होती है क्योंकि जब हम पढ़ा नहीं रहे होते हमारे सर पर जिम्मेदारियां होती हैं और हमने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करना होता है वो वादे जो हमने क्लाइंट के साथ किए हुए हैं एथिकली बाउंड है हम सारा दिन और उसके बाद पढ़ा रहे होते हैं उसके बाद फैमिलीज का टाइम होता है तो प्लीज कोई भी किसी शहर से कहीं से जेवन सोल्यूशन में उस वक्त तक ना जब तक हम या बुलाते नहीं है या फोन पे या ईमेल पे या किसी भी जगह कांटेक्ट होता है क्योंकि इस तरह से ये वो इंस्टीट्यूट नहीं है कि कोई है, अगर हम जस्ट अलाउ करते हैं सबको तो यू कांट यून इमेजिन कि होगा क्या हमारे साथ ये जो हम कर पा रहे हैं ना वो इस वजह से कर पा रहे हैं कि आठ घंटे हम क्लाइंट्स को डिलीवर करके कुछ कमाते हैं कुछ सीखते हैं और वो शाम को आप लोगों को दे देते हैं अगर वो वाला इंजन खराब होगा तो ये वाला इंजन भी खराब होगा माजरत के साथ

लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जैसे इरफान ने बताया हम अपनी कमिटमेंट जिम्मेदारियां हैं हमें वो चीज डिलीवर करनी है तो अगर और दूसरी बात ये है कि अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया ना कंप्यूटर साइंस का आपको पता होगा एक काम से दूसरे काम में जाते हैं ना तो वापस आने में उस प्रोग्राम को लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है तो हमारे लिए सॉर्ट ऑफ नामुमकिन है तो इसलिए थैंक यू सो मच इरफान ये वाकई हमारा काफी बर्निंग इशू था आपने इसको उठाया। क्योंकि इसका काफी काफी सारा वो वो जो है ना ना बोझ फिर हमारे लिए काफी आप आपने, देखो आप घर का बड़ा होता ना, मैं इस घर का बड़ा हूँ टेक्निकली तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बनती है जो बच्चे यहाँ आती हैं काम करती हैं कौन ऑफिस में आ रहा है उसकी क्या कैपेसिटी है तो वो कंट्रोल करना पड़ता है और इस वक्त सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो हमें हम नहीं अलाउ कर सकते सबको अन्य अन आदमी को जो भी है और अंदर आ जाए तो गार्ड को बाहर रोकना पड़ता है और बाजत मैंने देखा है कि बुजुर्ग आए होते हैं बुजुर्ग औरतें आई होती हैं लोग बच्चों को लेके आए होते हैं प्यार

बिल्कुल। मैंने आपसे एक जुमला कहा था कि आप लोगों ने वो याद रखना वो तो जुमला ये था कि वो तमाम चीजें जो इंसान कर सकता है वो एजिया कर सकती है अब ये जुमला बहुत आगे की बात है अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाए ना बैक आए इससे इस चीज को समझने के लिए जुमला क्यों का इतनी बड़ी बात कैसे कह दी गई तो उसके लिए हमें री एनफोर्समेंट लर्निंग समझनी पड़ेगी री एनफोर्समेंट लर्निंग इसी तरीके से है कि जिस तरीके से एक इंसान कोई भी नई चीज सीखना शुरू करता है मिसाल के तौर पर साइकिल चलाना सीखते हैं किस तरीके से साइकिल पर बैठ गए और अब आपने पहले दो पैडल मारे और धड़म से नीचे साथ कोई दोस्त भी ले लिया जी दोस्त भी ले लिया जिसको ठीक है हाँ, और आपने ये ऑब्जर्व किया कि मैंने जल्दी में पैडल नहीं मारे जिस टाइम से मुझे मारने चाहिए थे पैडल पैडल उसको करना चाहिए था और आप गिर गए नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हैं कि आप तीन या चार पैडल्स तक जाते हैं लेकिन एक जंप आता है जिस पे आपकी प्रैक्टिस नहीं है कंट्रोल करने के लिए आप फिर गिर जाते हैं लेकिन प्रैक्टिस करते 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 आपको ये पता लग जाता है कि मैंने इनिशियली बाइक जो बाइक साइकिल है उसको पुश कैसे करना है खुद से विदाउट किसी की सपोर्ट के फिर अगर जंप आएगा तो मैंने किस तरह से हैंडल करना है अगर मैंने किसी को बिठा ली अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है लेकिन आपकी ये प्रैक्टिस नहीं कि पीछे मैंने किसी को बिठाया था तो मैंने कैसे चलानी है फिर आप गिरा देते हैं तो यू सी के हर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को सीखते जाते हैं अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कुछ आप जो साइकिल चला रहे हैं वो एक एजेंट है जो बिहेव कर रहा है जो मूव कर रहा है अपनी सराउंडिंग में अपने इर्द गिर्द जिसको वो इनवायरमेंट हम कहते हैं ठीक है और वो कुछ हरकतें कर रहा है कुछ चीजें कर रहा है लैट से आप साइकिल चला रहे हैं तो ये आपका एक एक्शन है एक एजेंट एक इन्वायरमेंट में एक्शन परफॉर्म कर रहा है ठीक है एजेंट हो गए आप इन्वायरमेंट हो गया आपका इर्द गिर्द और एक्शन आपका है साइकिल चलाना आप क्या करते हैं वो एजेंट अपने एक्शन की बेसिस पर अपनी सराउंडिंग्स को देखता जाता है और चीजें सीखता जाता है इसमें एक मजीद चीज ऐड करूं ट्रायल एंड एरर जी कि आप सीखते किस तरह से हैं? ट्रायल एंड एरर की बेसिस के ऊपर कि आप हर चीज को ट्राई करते हैं फेल हो जाते हैं लेकिन आपको यह पता लग जाता है मैं फेल क्यों हुआ था नेक्स्ट टाइम आप उस चीज को इंप्रूव कर लेते हैं अब एक और बात करते हैं ये तो वो चीज थी ना कि जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को कम्युनिकेट भी कर सकता है जिनाब ऐसे करो ऐसे ना करो एक मिसाल आपके सामने यह है कि आपने एक कुत्ते को ट्रेन करना है अब आपकी कम्युनिकेशन भी नहीं है अब आप क्या करेंगे अब आपने कैसे सिखाना है उसको तो अब आप एक 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 चीज करते हैं कि उसको जब भी वो कोई अच्छी चीज करे एक रिवॉर्ड दे देते हैं कोई टॉफी दे दी या उसका बिस्किट दे दिया या उसको खाना दे दिया अब विद द टाइम उसको ये पता चलेगा कि जब भी मैं कोई अच्छी चीज करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा लेकिन जब मैं अच्छी चीज नहीं करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो एट द एंड ट्रेन होता 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 आपकी हर वो चीज जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसके माइंड में बैठ जाती है ये अच्छी चीज है ये मैं करूंगा और मुझे रिवॉर्ड मिलेगा कम्युनिकेशन तो नहीं थी लेकिन आपने एक फैक्टर ऐड कर दिया फीडबैक का रिवॉर्ड का वो जो काम करेगा उसकी फीडबैक उसको इन द टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड मिलेगी इसी तरीके से अब मशीन्स पे आ जाएं कंप्यूटर्स पे आ जाएं कंप्यूटर्स की आपके साथ कम्युनिकेशन किस तरीके से है टेक्चुअल फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में या इमेज की फॉर्म है या ऑडियो की फॉर्म में लेकिन एट द एंड वो क्या बन जाता है जीरो और वंस बस आप उसको डायरेक्टली तो नहीं बता सकते जी ये ठीक है ये करना है या ये नहीं करना तो सेम रूल आप वहां पे लगाते हैं कि आप एक एल्गोरिथम बनाते हैं उसमें क्या है उसमें आप एक एजेंट बनाते हैं एक एजेंट है उसने कुछ एक्शंस परफॉर्म करने उसको आपको बता देते हैं कि आपने ये 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 एक्शंस हैं ये आपने परफॉर्म करने हैं लेकिन साथ उसको ये भी बता देते हैं एक बेसिक रूल के ये करना है वो उसका रूल हो गया और साथ उसका एक रिवॉर्ड डिफाइन कर देते हैं उस रूल के अंदर ही वो क्या करेगा वो बेसिकली चीजों को परफॉर्म करने की कोशिश करेगा इनिशियली और बुरी तरीके से फेल होगा लेकिन जब वो फेल होगा तो वो ये देखेगा कि इस पर मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला बल्कि इस पर पे मुझे पेनल्टी पड़ रही है नुकसान हो रहा है तो वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कोशिश करेगा और अपना जो रूल है उसको अपडेट करेगा कि मैंने कैसे करना है फिर ट्रेनिंग फिर सीखता रहेगा सीखता रहेगा सीखता रहेगा और एट दी एंड वो इस स्टेज पे पहुंचेगा कि वो जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो उस पर उसको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है वो मैंने रखी हुई है आप लोगों के लिए ये बेसिकली एक गेम है जिस जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग पे ट्रेन हो रही है अब इनिशियली आप ये देख रहे हैं कि वो बॉल जो है वो बार बार मिस कर रहा है और उसे गिर जा रही है ये इसकी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है ये ट्रेन हो रहा है अभी री इन्फोर्समेंट लर्निंग की ये अब ये आपके सामने नेक्स्ट आएगा कि एक मिनट की ट्रेनिंग के बाद वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह उस बॉल के साथ उसको बिल्कुल भी गिरने नहीं दे रहा और जो टाइल्स है उनको ब्रेक करता जा रहा है इसको आप क्या करें मजीद ही इसी ट्रेन करना शुरू करते जाए करते जाए करते जाए एक टाइम यह आएगा कि ये इतना इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि आप इसको अब ये देखें नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आ रही है टू फोर्टी मिनट की ट्रेनिंग आफ्टर टू फोर्टी मिनट अब आप ये देखें कि वो क्या करता है ये इनिशियली उसने गेम खेली और उसने एक ऐसा मेथड फाइंड किया कि ऑप्टिमल वे कि जिसको अगर मैं परफॉर्म करूं तो मुझे ज्यादा एफर्ट ही नहीं करनी पड़ेगी लेकिन मेरा रिवॉर्ड भी सबसे ज्यादा हो जाएगा ठीक है अब आ, इसके अंदर बेसिकली वो स्क्रीन आ, हमारी शिफ्ट हो गई इसने क्या किया कि यहाँ पे ना वो साइड से ब्रेक करता जा रहा था ब्रेक करके बॉल ने ऊपर चले जाना था और इसकी एफर्ट खत्म हो जानी थी बॉल ने तमाम टाइल्स को खुद ही ब्रेक, तो ब्रेक कर देना था ये क्या है विद टाइम री एनफोर्समेंट लर्निंग इंप्रूव करता जा रहा है सिर्फ किस वजह से अब ये इसकी मेन बात के ऊपर आते हैं इस वजह से कि आपने उसका जो एक फंक्शन डिफाइन किया है कि वो फंक्शन क्या है री लर्निंग यानी के अंदर इसको कहते हैं क्यू स्टार कुछ ट्रिगर होना चाहिए अब आपके माइंड में लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जब एजीआई की बात की थी तो क्यू स्टार का जिक्र आया था तो वो क्यों इतना फेमस है क्योंकि उसका जो रूल है कि उसने आपको क्या आंसर देना उसने आपको सबसे ऑप्टिमल आंसर देना है तो ऑप्टिमल आंसर वो कब देगा कि जब वो तमाम चीजों पर ट्रेन होता रहेगा रिवॉर्ड की तरफ जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा और एट द एंड वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा उस चीज में कि जब आप उससे कुछ भी पूछेंगे तो वो वो जवाब देगा जो सबसे ऑप्टिमल होगा सबसे बेहतर होगा तो ये डिफरेंस है एक बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल में या एल एन ए में जिससे आप जवाब लेते हैं वो आपको मल्टीपल जवाब दे, दे देगा लेकिन क्यूस्टर आपको जो जवाब देगा वो सबसे ऑप्टिमल होगा इसी वजह से इसमें सिक्योरिटी कंसर्न आता है वो तो क्या आता है लास्ट टाइम जब मूवीज की बात हुई थी तो उसमें तमाम चीजों को ना इस तरह की टेक्नोलॉजी को एक विलन के तौर पे दिखाया जाता है क्यों जब यहां एक चीज आप मैं एक एक, एक चीज मजीद ऐड कर दू ताकि आप लोगों का एक वो बन जाए आप उस एजेंट को जैसी इन्वायरमेंट में रखेंगे और जैसी चीजें सिखाएंगे वो वैसी चीजें सीखेगा और अगर आप उसको ये कह दें कि ये जो नेगेटिव बुरी चीज है इस इसमें भी तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा तो वो क्या करेगा उस बुरी चीज को करने की पूरी कोशिश करेगा रिवॉर्ड के चक्कर में तो इसी तरीके से आपकी सोसाइटी में या आप खतरा यह होता है कंसर्न ये होता है कि अगर उसको ऐसा डाटा दे दिया जाए जिसमें यह मेंशन हो कि प्रॉफिट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट ह्यूमैनिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट बट प्रॉफिट इज तो वो क्या करेगा फिर वो आपको तमाम वो डिसीजंस देगा वो तमाम वो चीजें बताएगा जिसके अंदर humanity पीछे होगी मैं हो। मैं इसको थोड़ा सा लोगों लोगों जो है गेमिंग की लोगों को समझ में आ है। मैं आपको एक देता तो और, और इस एग्जाम्पल इस के बाद मैं आप लोगों से एक सवाल करने वाला हूँ और उसका जवाब आपने देना है जिसमें ये तीनों टाइप्स की लर्निंग जो है ना वो क्लियर हो जाएगी और जवाब आप ही देना तो बी रेडी फॉर द क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों ने बड़ी रेसिंग देखी होगी लेट्स से एक रेसिंग ट्रैक बनाया जाता है एक शहर से एक शहर के स्टार्ट में उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उस शहर के एंड पे हम उसका एंडिंग पॉइंट दे देते हैं और रेसर जो है वो शहर के अंदर से उसने होके आना एंड देर आर मल्टीपल वेज मल्टीपल रूट्स जहां से वो होके आ सकता है ईच टाइम जब एक रेसर अपने डेस्टिनेशन में पहुंचता है शहर को क्रॉस करके कोई आगे होगा कोई पीछे होगा जो पीछे होगा तो उसको ऑब्वियसली ट्रॉफी हो उसको एक दी जाती है कि तुम ये जीत जो पीछे जीत गया था और हारने वाला अपना रास्ता बदलेगा वो कोई और रास्ता लेगा और जीतने वाला उस वक्त तक सेम रास्ते से आएगा जब तक कि उसको ये नहीं लगता कि अब मैं हार गया मेरे से भी ज्यादा बेहतर पहले कोई और पहुंचा द मोमेंट गेट्स अ ट्रॉफी हर बंदा अपना बाकी के लोग अपना रास्ता बदलेंगे तो जैसे जैसे लोगों को पीनालाइज करते जाएंगे रेस के अंदर लोग उस शहर के अंदर से अपने सारे रास्ते बदलते जाएंगे एक वक्त आएगा उन रेसर्स को उस शहर के सारे रास्तों का पता चल जाएगा और थोड़ी देर बाद हर रेसर एक ही रास्ते से आ रहा होगा क्योंकि उस वक्त सबको पता चल जाएगा कि ये ऑप्टिमल वे है वो सब के सब एक ही रोड से आएंगे और रेस वहां लगेगी क्योंकि बाकी इवेंट रोड से कोई ट्रेवल नहीं करेगा सबको पता होगा कि ऑप्टिमल रास्ता ये है अब खराबी क्या होगी कि हम जहां से जहां से जाके ये रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं और हम उन्हें कह देते हैं कि बस आपने डेस्टिनेशन में पहुंचना ये मत देखें कि आप सड़क से आ रहे हैं फुटपाथ से आ रहे हैं किसी के घर के बीच में से आ रहे हैं और ये रिस्ट्रिक्शन हटा दें तो वही टेक्नोलॉजी आपके लिए खतरनाक हो जाएगी देन दे विल नॉट इवन फॉलो द रूट दे विल फॉलो द इीगल मैथड वो ट्रैक से ही हट जाएंगे और जब टेक्नोलॉजी कोई इंसान ट्रैक से हटता है तो सिर्फ तबाही होती है सो so, इस वजह से इन टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल किया जा रहा है कि इसी चीज को यूज करके ट्रैक से ना उतार दिया जाए और मैं आपको एक बात बताता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ना एक्चुअली वो रेस लगी हुई है ये एग्जांपल मेरे माइंड में अभी आई है कि ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था सुन रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया का नुकसान सिर्फ इस वजह से कर रही है या करेगी या कर सकती है क्योंकि ए के अंदर एक रेस है और हर बड़ा जॉइंट पैसा कमाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी जल्दी लाना चाहता है और वो ऑप्टिमल रूट के लिए नहीं जा रहे बस वो कहते हैं कोई भी रास्ता हो कोई भी जरिया हो कोई भी तरीका हो जिमएनआई पहले आ जाए या जीपीटी पहले आ जाए दोनों में से हमने अपने सिस्टम को पावरफुल करने ड मैटर एट व्हाट कॉस्ट उन्होंने अपने इंजीनियर्स को पैसा बहाया हुआ है कंप्यूट दी हुई है लोग मैन पावर डाली हुई है देर इज अ रेस फॉर द प्रॉफिट

सॉफ्ट कॉपी में टेक्स्ट है मैं आपको एक चैट बोर्ड का मॉडल ट्रेन करके देता तो हूं मैं उसे कहता हूं इसको ये बुक दो चैट करो और जवाब लो वो जो आपने मॉडल उस बुक से ट्रेन किया है आप इस लर्निंग को क्या कहेंगे सुपरवाइज अनसुपरवाइज या रे लर्निंग बताएं कमेंट करके उस लर्निंग को किस टाइप की लर्निंग कराई आपने एक बुक उठाई बौड, बौड को दी बोर्ड से जवाब आपको जवाब दे रहा है उस ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग एक एक्सप्लेन किया हारिस ने भी इसको टच दिया और इसको मुश्किल नहीं होगा जस्ट वॉन्ट टू सी स्टोरी इन योर ब्रेन सुपरवाइज 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 यार आप मॉडल को टैक्स दे रहे हो आई मीन आपके लिसनिंग स्किल्स जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो आगे भागने की क्या जल्दी होती है सुन लिया करो ना पहले किताब है उस किताब के अंदर सारा डेटा है आप उसने उस डेटा को फीड किया और आपने जवाब आप लिए उससे डॉक्टर साहब तो मतलब तो टॉर्टरस तो आंसर आ रहे हैं कोई बात नहीं खैर और <laughs> तो दूसरे लेक्चर में मतलब दैट इज फाइन यही तो हमारा टारगेट है कि इन इन जवाबों को हमने ठीक जवाबों के अंदर लेके जाना है दैट फाइन तो यहां पे अह लिसनिंग स्किल्स जो है ना बहुत मैटर करते हैं क्योंकि आपने एक क्लू भी दिया था और मैं आपको बताऊं इसके एक से ज्यादा जवाबात हो सकते हैं और अगर आपके पास आपके जवाब को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस है तो मुझे दे दें इसके एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक और अगर आपने ए आई को ट्रूली सीखना है ना तो जो टॉपिक डॉक्टर साहब हारिस साहब को पढ़ा रहे हैं उनको जरा कहीं अप्लाई करके देखें सोच के देखें इन्विजन करके देखें जब आप इसको विजुअलाइज करेंगे तब जाके मजा आएगा सवाल आपके जहन से उठेंगे आपको लगता है कि एग्जाम्पल हमने दे दी और आपको समझ आ गया वो समझ आ गया डॉक्टर साहब आ जाए जवाब की तरफ ये तो बहुत uh, निकल आई आई लेट यू हैव द प्लेजर मेरे से प्लेयर से बाहर चली गई है बात लेकिन <laughs> सबसे पहले डॉक्टर साहब ने आपको एक बात बताई थी कि टेक्सुअल डेटा और टेबल्ड डेटा अगर जो स्ट्रक्चर डेटा आपको पता सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपके पास सबसे पहले आपके पास होते हैं लेबल्स जब आप एक बुक से उठा के चीजें मॉडल को दे रहे होते हैं तो आप मुझे बताएं वो डाटा स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड पर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं जरा कमेंट करके बताओ लेबल अच्छा। है नहीं उसे? और अगर लेबल नहीं है तो क्या हुआ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है लेकिन मैंने अब आपने ये बताना है लेबल्ड है या अनलेबल्ड है डॉक्टर साहब आप आपको सही ड्राइव कर रहे हैं जवाब की तरफ <laughs> अच्छा कैसे एक सेंटेंस में मैंने बताया कि इस सेंटेंस में गुस्सा है नरमी है कंप्यूटर पढ़ रहा है बंदा नहीं पढ़ रहा डू माइंड दैट के वो एक लैंग्वेज अल्फाबेट्स हैं और वो अल्फाबेट्स जाके जीरो वन में कन्वर्ट हुई वो मैं ह्यूमन नहीं हूं जो पढ़ूंगा कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे तो मुझे पता चल जाएगा वेरी नेगेटिव सेंटेंस डेटा बिट्स में कन्वर्ट हो रहा है जो कि जीरो पता चलेगा कि यह पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है यू आर नॉट टेलिंग द कंप्यूटर वैट मीन डेटा तो अनलेबल्ड है ओके okay. hmm. फिर अनस्ट्रक्चर्ड भी, भी है बिल्कुल ठीक है लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा लेबल्ड तो हो सकता है ना मैंने अनस्ट्रक्चर्ड सेंटेंस लिखा और कहा पॉजिटिव सेंटेंस है एक और अनस्ट्रक्चर्ड सेंटेंस लिखा कहा नेगेटिव इमोशन है मैंने बिल्ली की तस्वीर दी कहा ये बिल्ली है तस्वीर थी ना अनस्ट्रक्चर्ड तस्वीर से हम हम टेक्स्ट पे आ जाते हैं आपने सही एग्जांपल हाँ। की मैं मैं कंप्यूटर से कहता हूं कि आई एम फीलिंग कोल्ड या yeah, hmm. मैं कंप्यूटर से कहता आई एम फीलिंग सैड के आगे लिख देता हूँ कि यार ये नेगेटिव है आई एम फीलिंग हैप्पी के साथ मैं लिख देता हूँ यार ये पॉजिटिव है तो अब मैंने अपने उस डेटा को लेबल कर दिया बट स्टिल दिस इज एन अनस्ट्रक्चर डेटा बट मैंने लेबल कर दिया और कंप्यूटर को अब

ये चीज मुझे प्रसीव पहले कर लेनी चाहिए थी कि ये मसला आएगा वेरी गुड दैट वाज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड कैन बी अनलेबल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा कैन बी लेबल्ड स्ट्रक्चर डेटा कैन बी अनलेबल्ड मेरे पास बच ऑफ डाटा है टेबल में है

चौथे कॉलम के अंदर कोई अमाउंट लिखी हुई है सारी करंसी है सारी तो देखिए करंसी के कॉलम के अंदर आपको वर्ड नजर नहीं आ रहे वर्ड के कॉलम के अंदर आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहे स्ट्रक्चर तो नजर आ रहा है स्ट्रक्चर है क्या डाटा का सेग्रीगेशन है कि डाटा है आप अपनी कैबिनेट के अंदर आपको मैं आप घर में आपकी कबर्ड है जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शन है आप कपड़ों वाली कबर्ड के अंदर सिर्फ कपड़े ही पड़े वहां बर्तन नहीं पड़े हुए लेकिन कबर्ड के बाहर ये नहीं लिखा हुआ इसमें कपड़े हैं बट द डेटा इज स्टिल स्ट्रक्चर्ड सिर्फ आपने लेबल नहीं लगाया तो उसको आप स्ट्रक्चर कह सकते हो कबड़ के आगे आपने कबड़ ने लिखा लेकिन अंदर बर्तन नहीं रखे हुए कपड़े ही सो so ये वाले जब आप कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा आ, समझ लेंगे तो देखिए इतना आसान नहीं है मैं कोई ऐसी बच्चों वाली बात नहीं करना चाहता ए को मजाक ना बना ले फिर ए के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए आपको इस तरह से सोचना होता है और अपने आप को चैलेंज करना होता है तब जाके वो यहां से ब्रेन आपका ट्रेन होता है क्रिटिकली ट्रेन होता है और फिर वो ब्रेन एक वक्त आता है प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है मैं आपको बता रहा हूं इसी क्लास से अगर 90 परसेंट लोग ये सोच के निकलेंगे जो कि निकलेंगे कि हमें सब समझ आ गया उन 90 परसेंट का सिर्फ दो से तीन परसेंट एक्चुअल कामयाब होंगे ये जो हम अपने आप को लेबल कर लेते हैं ना कि हमें समझ आ गया इसलिए मैं कहता हूं कि एक्चुअली अगर आपने जिंदगी में सीखना है तो खुद से ईमानदार हो जाए और खुद से ईमानदार होने का मतलब भी है कि टेस्ट लेना आपने इस तरह से और अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी इसके अंदर मुझे बताएं कि क्या लर्निंग लग लग सकती है लग सकती है या नहीं अब हम तीसरी बात कर रहे हैं कि री इन्फोर्समेंट अप्लाई करने के वही वही टेक्चुअल डेटा है वही बॉट है वही चैट है अब बताएं इसमें क्या पॉसिबल है कि मैं दूसरी लर्निंग के साथ री लर्निंग की टेक्निक भी यूज कर लू टू गेट द आउटपुट और नॉट अच्छा चले आप लोग परेशान ना हो हम इसको दोबारा समझा देंगे बाजू थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करना ये भी होता है आपको समझाना कि भाई यू आर नॉट द किंग ऑफ द वर्ल्ड देर आर सो मच टू लर्न प्लीज बी फोकस्ड मुझे कुछ सवाल आ रहे थे कमेंट्स में देख के पढ़ा था सर सब समझ आ गया आगे बढ़े सर सब समझ आ गया <laughs> आगे ये तो मैं नहीं कहता कि यार आ, मुझे सब समझ में आ गया हर बार मुझे कोई नई चीज पता चलती है सर आप इतना इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं भाई डिटेल में इसलिए डिटेल में बाजू का इसलिए जाना होता है कि आपको अगर एक एग्जांपल समझ आ गई हम दूसरी बोलते हैं तो वो ना आपके सहन में बैठ जाती है चीज थोड़ा आपको टाइम देते हैं जब हम कन्वर्सेशन थोड़ी ड्राइक कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त में आपके और कुछ लोग जो नए हैं उनके ब्रेन को टाइम दे रहा होता हूँ कि वो सेटल हो जाए हो सकता है ना कि कभी बंदा डिफो डी रेल हो जाता है कभी ध्यान दही की तरफ चला जाता है दूध की तरफ या दरवाजों की तरफ वापिस आ जाओ समझ लो हम इधर ही है सो इसलिए हम हम कहीं नहीं जा रहे लाइव बैठे हैं ना कोई नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा पर सीख लेंगे तो डोंट मैसेज मी एंड टेल मी कि मुझे क्या स्पीड रखनी है हाँ मुझे आप उस वक्त मैसेज करके बताओ जब आपको समझ नहीं आ रही वो मेरे लिए काम की चीज है मुझे ये मैसेज करके मत कहो कि सर जल्दी चलो अभी जल्दी वाले पता नहीं कहाँ चले गए मुझे खुद नहीं नजर आ रहे <laughs> चले आज आगे बढ़ते हैं सर ग्रेट uh, मेरा ख्याल है कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो हम यहाँ वाइंड अप करते हैं और उसके बाद हमारी वो इंट्रोडक्शन भी है तो... मैं इनको री का जवाब दे दूं देखो री एनफोर्समेंट टेक्निक इज समथिंग जब आप मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हो तो आप इस्ट कर सकते हो और उसके लिए आपको एक अलग से रूट लेना पड़ता है टेक्निक्स होती हैं मॉडल जो आप एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे होते हैं फ्लेक्सीबिलिटी रखनी होती है कि आपने ऐसा करना तो फिर लर्निंग का कॉन्सेप्ट के साथ आपको अनलर्निंग का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए मैं आपको थोड़ा सा लर्निंग के साथ आप अनलर्निंग का कॉन्सेप्ट लें ये जरूरी है ये लाइफ में भी जरूरी है और आज के दौर में मैंने एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल पढ़ा था कि आज के दौर में लर्निंग से ज्यादा अनलर्निंग जरूरी है क्योंकि हमारी प्रीवियस जनरेशन ने हमारे दिमागों में ऐसी ऐसी चीजें ठूंस दी हैं हमें इतना प्रोग्राम कर दिया है कि उस लर्निंग की वजह से एक्चुअल लर्निंग हमारे दिमाग में घुसती नहीं है अनलर्निंग हमें आज तक किसी ने सिखाई नहीं वो तो खैर रियल लाइफ में अनलर्निंग कैसे होती है आई नॉट टॉक अबाउट इट एमडे आई विल बट प्रोग्रामिंग में भी अनलर्निंग होती है ये ये टर्म है इसकी और हमने मॉडल को अनलर्न करवाना है और उसमें भी कितना अनलर्न करवाना है मॉडल को अनलर्न करवा के लर्न करवाना है और बाजू का डिसाइड करना होता है कि अनलर्न कब करवाना है या इसी के ऊपर फर्दर ट्रेनिंग है मैं आपको बच्चे की एग्जांपल देता हूं आप कभी अपने बच्चे से एक बात कहो उसको ट्रेन करो कि यार ये शख्स अगर आपके दरवाजे पे आए तो आपने इसको ऐसे बिहेव करना है और बाद में बच्चा एग्जैक्टली exactly वही करता है लेकिन बाद में आपको समझ आता है शर्ट

पढ़ के इन एग्जाम्पल्स को विजुलाइज़ कीजिएगा ये बेसिक कंपोनेंट्स अगर आपने ग्रैब ना किए तो आगे जाके बहुत बुरी हालत होनी है दैट्स व्हाट वी आर डूइंग दैट पार्ट तो आई होप कि स्पीड हमारी जो है ना सबको समझ में आ गई होगी अच्छा डॉक्टर हमारे पास कौन कौन बैठा है सामने हमारा एक नया इंस्ट्रक्टर भी है हमारे पास हमने उनको इंट्रोड्यूस करवाना है।, है और और कौन के अलावा कौन आया हमारे पास आज Uh, अभी तो आज अली है हमारे साथ अच्छा मैं टास्क इनको दे दूं फिर मैं टास्क लेने के बाद जिन लोगों ने आ, काम काजों पे निकलने निकल अगले इंस्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देना है आपको अच्छा तो हम आपका टास्क यह है कि सबसे पहले आपने इन लर्निंग्स को पढ़ना है अब आपने करना क्या है पढ़ने के बाद कल नेक्स्ट सेशन के अंदर हारे से मुझे याद कराना जो मैं आप लोगों से पहला सवाल करूंगा वो मैं इनकी एप्लीकेशन पूछूंगा कि आपको क्या लगता है और वो जो एग्जाम्पल आपने मुझे देनी है ना वो जीपीटी से नहीं होंगे मुझे घर की एग्जाम्पल चाहिए आपकी रेगुलर जिंदगी के इर्द गिर्द से मुझे चाहिए मुझे आपकी कैबिनेट से किचन से आपकी रोजमर्रा की लाइफ से आपके स्कूल से कॉलेज से एग्जाम्पल चाहिए आपने यहाँ मुझे ये तीन टेक्निक्स अप्लाई करके देनी है मुझे ये मत बताइएगा गूगल से चैट जीपीटी से मुझे पता है चैट जीपीटी आपके किचन के एग्जाम्पल नहीं देगा कोई निकाल भी ले तो पता नहीं है लेकिन आपने इस तरह से सोचना है और वो आपने इसकी एप्लीकेशन को विजुलाइज करना है टास्क आपने इसको लेके आना है नेक्स्ट टाइम मैं आके क्यों कॉमेंट में चेक करूंगा और देखूंगा कि किसकी एक्चुअली लग रही है तो हमारे पास जो हमारे अगले इंस्ट्रक्टर से आज हम थोड़ा सा आपको तारुफ करवाते हैं और फिर डॉक्टर साहब बैठ जाएंगे मैं एक दो बच्चों से यहाँ बात भी कर लूंगा कि नए बच्चे जिन्होंने बैच हमारा अभी ज्वाइन किया है वो क्या एक्सपेक्ट करे तो एक दो लोगों से मैं बात कर लूंगा तो अली को बुलाएं डॉक्टर साहब जी अली आइए मीट मिस्टर अली ही इज आर फ्यूचर सीईओ ये मेरे साथ सीईओ ट्रेनिंग प्रोग्राम पे भी हैं और इनशाला ये वो टीम है जो बैकएंड से आप सब मुझे भी सपोर्ट करिए आप सबको सपोर्ट करेगी आगे अली अ बिट ऑफ योर इंट्रोडक्शन और इनशाला आगे से आप आहिस्ता आहिस्ता वो पढ़ाते जाओगे योर इंट्रोडक्शन एंड योर एक्सपीरियंस असलकुम सबको को मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं ख़ुद एक डेवलपर हूँ और मैंने जो है ऑलमोस्ट मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ में काम करा हुआ है पी एच पी लारावल रिएक्ट नोट जी एस वर्ड प्रेस और अब करंटली जो है वो ए आई में मैं काम कर रहा हूँ आज कल uh, ताकि जो है मैं फुल स्टैक ए आई डेवलपर बन सकूँ इसके अलावा मैंने फ्री लांसिंग भी करी हुई है तकरीबन तीन साल से मैंने फ्री लांसिंग करी है और फ्री लांसिंग मैंने जो है वो अपवर्क पे नहीं करी फाइवर पे नहीं करी डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ करी है ई के थ्रू क्लाइंट ढूँढे हैं लिंकडिन के थ्रू क्लाइंट ढूँढे हैं तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और इस कोर्स में मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊँगा इन और वो जो टॉपिक्स होंगे उनके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने स्टार्ट से ही क्लाइंट हंटिंग पे बात करनी है क्लाइंट मैनेजमेंट पे बात करनी है बिजनेस एथिक्स पे बात करनी है कि जब ए सीखने के बाद अब आप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो एथ, एथिक्स क्लाइंट हैंडलिंग काम करना कैसे है क्लाइंट लाने कहां से हैं अली को यहाँ बुलाने का मकसद मेरा ये था कि अली के एक यूनिक इसने एक काम किया जो मेरे लिए भी तकरीबन सरप्राइजिंग था जब ये मुझसे आके मिला ये एक्चुअली मेरे साथ ही रहता है तो या मैं इसके साथ रहता हूं शायद <laughs> तो ना, ना तो इसने ना लिंगडिन से क्लाइंट क्लाइंटी आप जितने लोग आज पढ़ रहे हो ना तो प्लीज जो नए लोग आए हैं आप कभी भी LinkedIn से डिस्कनेक्ट मत होइएगा आज आपने कुछ पढ़ा आप और कुछ भी ना करें आज आपने सिर्फ तीन टर्म्स पढ़ी है मैं, मैं गोना गिव यू वेरी सॉलिड टिप आपको पता है आज के सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग रीनफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है आपको आज ये नहीं पता कि डायमेंटी रिडक्शन क्या होते नहीं पता ना पर ये आपको पता है कि आपको ये नहीं पता किसी गोरे को ये नहीं पता कि आपको ये नहीं पता दोबारा करता हूं। ये आपको पता है कि आपको सिर्फ ये तीन चीजें पता है आप ये गोरे को नहीं पता कि आपको सिर्फ ये तीन चीजें पता है आज अगर आप जाके अपने लिंक पे सुपरवाइज लर्निंग से रिलेटेड कुछ आर्टिकल पोस्ट कर देते हो कोई बात कर लेते हो कोई एआई को टैग कर लेते हो किसी का आर्टिकल पे कमेंट कर देते हो तो उसके लिए आप आज एआई के बंदे हो आपने अपना पहला सीड लगा दिया है अब छ महीने तक आप सीखते जाओगे उसकी इस ड्रिल को कंटिन्यू रखोगे तो यू विल बी देयर फेक इट अंटिल यू मेक इट यू आर एन इंजीनियर टूडे दिस इज वर्ल्ड इज ग्रोइंग मैंने देखे हैं हमारी कंपनी के कुछ बड़ी बड़ी लिखते कभी -कभी मैं खोल तो मेरा अपना दिमाग जाता है यार मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ लिंकडिन वो वायद मार्केट है जिसको मैं कभी खोल लू तो मुझे लगता है मैं बहुत पीछे हूँ क्योंकि उसमें जो लोगों ने अपने नीचे लिखा हुआ है ना वो कमाल है सो यू कैन डू इट इट्स ओके

Uh, उसका तरीका ये था कि uh, अगर मैं शॉपिफाई के नीच में काम कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैं ये करता था कि सबसे पहले शॉपिफाई के टॉप डेवलपर्स ढूंढना uh, जो कि सिर्फ ऑफवर्क पर नहीं होते और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें पता नहीं है तो उन, उनके फिर मैं ये ढूंढता था कि उन्होंने अपने कोई पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाई उन्होंने कोई अपना ब्लॉग डालो किसी वेबसाइट पे तो ऐसा मोस्टली होता था जो टॉप डेवलपर्स होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ब्लॉग लिखा हुआ है कोई न्यूज़लेटर लिखा हुआ है तो वहाँ से उनका मैं न्यूज़लेटर ब्लॉग रीड करता था आर्टिकल और उससे कुछ स्टोरी या कुछ पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता था कि अगर जब मैं जब मैं इसको मैसेज करूं तो उसके अंदर उसका वो पॉइंट मेंशन कर दूं जिससे उसको ये लगे कि ये मुझे कहीं जानता है इसने मेरी कोई टॉक सुनी है या कहीं ये मुझसे मिला है समथिंग लाइक दैट तो ऐसे ही होता था जब मैं दो तीन ब्लॉग्स पढ़ लेता था तो मुझे कोई ना कोई पॉइंट मिल जाता था और इस प्रोसेस में कभी दो तीन दिन भी लग जाते हैं तो उसके बाद ई निकालना और ये सब लिंकन पे मैसेज करना और उसके साथ उसमें दो तीन यूनिक पॉइंट्स लिखती है कि भाई मैंने इस तरीके से पढ़ा है और मैं इंस्पायर हुआ हूँ कि ये चीज़ मैच कर रही है इस तरीके से और उसके साथ ही अपने दो तीन प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए क्योंकि मैं जब रिसर्च करता था तो मुझे पता होता था एक्जैक्टली ये बंदा किस डोमेन में काम कर रहा है किस लेवल के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर चुका है तो उससे रेलिवेंट काम सिर्फ मैं ऐड करता था और उसको मैसेज कर दिया तो मोस्टली अगर मैंने दस लोगों को मैसेज करा है तो सात लोगों का जवाब लाजमी आता था बेशक उन्हें काम नहीं भी कराना था। अब इस प्रोसेस में टाइम लगता है मगर ये इसमें एक्यूरेसी एक है, चांसेस हैं कि आप इस पे अगर एफर्ट पुट कर रहे हो तो वो हो जाता है मैं क्या आप कर... या, अगर या, मैं, या। मैं इस बात को कर समराइज तो या। या। आप क्लाइंट को रीच आउट करने से पहले होमवर्क करते हो अपने हिस्से की मेहनत करते हो एक तो ये समझते हो वो कौन है वो क्या चाहता है नॉट जस्ट बाई दोस्ट यार उस बंदे ने कुछ मांग रहा है तो मैं बताऊं कि हाँ पैन मैं कर सकता हूँ मैं कर दूंगा मैं चैंपियन हूँ do वो करता क्या है? उसकी क्या है उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी अब तकलीफ कहां होती है तकलीफ यहां होती है कि आप किसी शख्स के लिए एक डेढ़ घंटा काम कर रहे हो और आपको ये पता भी नहीं है कि उसका रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा लेकिन उस वक्त एक फेथ होता है एक ट्रस्ट होता है एक बिलीव होता है कि यस आएगा और अगर नहीं भी आएगा एटलीस्ट मैं इसका ब्लॉग पढ़ के कुछ सीख जाऊंगा hmm. बढ़ जाएगी तो so दिस और जब आप कभी के बनना जाएंगे, बनने जाएंगे, hmm. तो आपको हर इंडस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा अगर आप अपनी डोमेन में लाना चाहते हैं आर वेल एंड गुड सिर्फ इंडस्ट्री करेंगे दुनिया, आपकी डोमेन में दुनिया क्या कर रही है लेकिन अगर आप किसी और डोमेन में घुसने जा रहे हैं पर्सन एंड द डोमेन तो ये एक क्लाइंट हैंडलिंग के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट सेशन है जितने लोग ए के लिए लेक्चर ले रहे थे थैंक यू वेरी मच उनके लिए लेक्चर खत्म हो चुका है अब मैं कुछ स्टूडेंट से बात करूंगा उनके सेंटिमेंट्स को समझेंगे अलिया आप इधर ही बैठ जाओ बकास भाई इफ यू आर स्टिल दस स्ट्रीम यार्ड ओपन कर दो एक से दो लोगों से मैं बात कर लेता हूं अगर हमने कहीं करेक्शन करनी है और ये बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग अगर हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज डू दैट ताकि हम अपने आप को बेहतर कर सकें मैं भी स्ट्रीम यार्ड का लिंक दे रहा हूँ <laughs> आप लोगों को और डॉक्टर साहब चले गए डॉक्टर साहब yes, दस डॉक्टर साहब आज है आप सामने नहीं होते तो आई फील कमजोर कमजोर ये आ ना वी गो स्ट्रीम लिंक इज हेयर हु इज द फर्स्ट पर्सन हु कैन जॉइन अस ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे दस तेरह मिनट तेरह मिनट कर लेते हैं ये आ रहा है स्ट्रीम ईयर लिंक इज ऑन द स्क्रीन हु इज द फर्स्ट वन यार ये स्लाइड वगैरह को रिमूव कर दो स्लाइड्स पहले जो शादान अनवर साहब आप आए और मैंने आपको ऐड कर दिया वा अलैकुम अस्सलाम बी वेरी क्विक शादान भाई ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आप हम सब बात करते हैं कि हेल्थ केयर के अंदर हम <laughs>

थैंक यू मेरा ये क्वेश्चन इनशाला जरूर थैंक यू नेक्स्ट जी जी आसिफ हुसैन साहब सलाम अलैकुम अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम सर अस्थार। 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 मैं सिर्फ इस बारे में बात करना चाह रहा था आपसे कि हमें इस कोर्स में मजीद आगे स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स ये ये चीजें डेटा साइंटिस्ट के लिए पूरी सिखाई जाएगी या जो हमें सिर्फ ए आई से ए आई से रिलेटेड चीजें ही बताई स्पोर्ट्स में नहीं नहीं देखिए हम आपको क्या बताएंगे कि हम आपको वो जरूरी कंपोनेंट सिखाएंगे जो ए ज़रूरी है उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाह रहे हैं अब होगा ये कि जब हम कुछ मैथ के टर्म्स यूज़ कर रहे होंगे तो कुछ हम समझा देंगे लेकिन अगर हम सब नहीं समझा पाए तो आपको ये पता होगा कि आपने इसको कैसे समझना है आपको हर लेक्चर के बाद खुद से काम तो करना पड़ेगा सर आपको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जाके और चीज़ें तो अपनी नॉलेज में लाना पड़ेंगे लेकिन हम आपको वो वक्त बचाएंगे जहां आपको ये नहीं पता कि करना क्या है हम आपको प्रिसाइज डायरेक्शन दे, दे देंगे बेसिक समझा देंगे और आप एक इनहेंस उसको खुद कर लेंगे लेकिन करना पड़ेगा मैं आप भी बता रहा हूं कि ये जो हमारा ढाई तीन घंटे का लेक्चर हो ये एक्चुअली आपके पूरे हफ्ते का काम है अगर जो बंदा दिल, दिल, दिल से कर रहा है और टॉप फाइव परसेंट में आना चाहता है तो, तो आपका एक हफ्ते के लिए पैक्ट है दिल लेकिन दिल जो समझाएंगे जी थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच जजाक थैंक यू जी वैसा आपको तो बहुत सर्दी लगी हुई है <laughs> अच्छा नहीं, नहीं, पहले क्या, मुझे समझ आई क्यों लगी हुई थी <laughs> वाले भाई सर uh, मैं ना एक्चुअली uh, जो ना फाइनेंस और अकाउंट्स की फील्ड से हूँ जॉब होल्डर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ

तो, तो जो मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्शन नजर आया था ब्लॉकचेन और एआई के कॉम्बिनेशन के साथ वो फिनटेक है फिनटेक uh, सर फाइनेंस एंड अकाउंट्स यार सब कुछ आ जाता है उसके अंदर ना फाइनेंशियल्स के लिहाज से ना <coughs> जिस फील्ड में आप हो ना तो इसमें एआई का बहुत सर इसमें सर एआई का थोड़ा सा सर समझ नहीं आता कि मतलब कैसे देखो मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ आपका सवाल बहुत अच्छा है, भाई, आपका बहुत अच्छा है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं जो नए हैं जो यह है कि फील्ड से नई है टेक की उसको एक देता हूं। खुदा के लिए अभी पहले सात आठ लेक्चर ना क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से परेशान ना होगा अगर आपको आइडियाज नहीं आ रहे तो इट्स ओके इट्स रियली ओके यू you नो know, जब मैं ये ऐसा ही है कि एक इंसान को कोई बंदा उठाए और आके एक नए शहर में नए मुल्क में छोड़ दे जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे आपको थोड़ी देर के लिए कुछ समझ नहीं आएगा कि आपने कहा जाना है कहाँ रहना है क्या खाना है बट इट मीन कि आपको चार दिन बाद भी समझ नहीं आएगा छह दिन बाद भी समझ नहीं आएगा एक साल बाद भी समझ नहीं आएगा मैटर सिर्फ इतना करता है क्या आप एयरपोर्ट से वापस आते हैं या वहां टिके रहते हैं सिर्फ इतना मैटर करता है वट यू रियली वॉट डू मुझे रफीक अहमद दुरानी साहब कहते थे अक्सर जब मैं न सुबह सुबह जब, जब जाता था ना सर्दी से हाथ पावना फटरे होते थे तो बड़ी हालत खराब होती थी कुछ दिन बाद उन्होंने एक लेक्चर देने से पहले ना मुझे एक बात कही कि उन्होंने कहा अल्लाह ने इंसान को जो सबसे ताकत दी है ना बहुत बड़ी बड़ी ताकतें तो दी उसने एक ताकत है पावर ऑफ एडजस्टमेंट इंसान पहाड़ों में भी सरवाइव करता है जंगलों में भी सरवाइव करता है शहरों में भी सरवाइव करता है, बड़े से, बड़े दुख को भी जाता है, बड़े से बड़ी कि उनके अंदर पावर ऑफ एडजस्टमेंट है हमारे तो अंदर अल्लाह ने बाई डिफॉल्ट पावर ऑफ एडजस्टमेंट रखी है ऑल वी है और तो तो फिर वो सर्दी सर्दी नहीं रहती बाजूकात तो आप अगर इस 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 सफर में थोड़ा आगे जाएंगे ना तो ये जवाब खुद ब खुद आएगा लेकिन अगर अभी ढूंढेंगे तो आप पैनिक स्टेट में चले जाएंगे और आप सीख नहीं सकोगे भाई पे डोंट गो इन अ पैनिक से सबर अल्लाह सबर करने वालों के साथ है तो बी पेशेंट आपको बहुत सारी चीजें खुद ब खुद समझ आएंगी और सर, मैं आपको इसलिए आते ही कहा कि फिनटेक के अंदर बहुत बड़ा रोल है ए का बहुत बड़ा रोल है सर सर वो सर वक्त के साथ समझ आएगा फिर वक्त के साथ थोड़ा एल्गोरिथम समझ लो ना मॉडल समझ लो मॉडल की प्रोडिक्शन और ये सारा कुछ समझ लो आपको अंदाजा हो जाएगा यार ये वाले काम जो है ना ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये ए कर सकता है पे अगर एक मॉडल ट्रेन कर दिया जाए ना तो इसका मतलब है कि यहाँ मैं अपनी दस गुना एक्टिविटी पूरी लेके जाऊंगा हम इस पर बात करेंगे डेफिनेटली बात करेंगे डेवलप करते हैं जी सर मुझे वैसे ना ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे का सर कॉन्टेक्ट नंबर भी चाहिए क्योंकि जो साइट पे आपने हमारे बंदे को उनसे ऐसा उसका वेट नहीं करता मुझे पता नहीं आएगा

सर थैंक थैंक यू यू आपका जवाब देने के लिए क्या तो भी वीडियो ऑन कर लें आप किधर किस बैठे हैं जी सर लेट द सी ओ अब तो स्टूडियो बैठे हैं ये हैं जी विकास भाई विकास भाई पूरा शो चला रहे हैं पीछे बैठ के अब ये देखें कि हमारे अब ये रात को नौ बज रहे हैं हमें छुट्टी हुए दो घंटे हो गए हैं वो तीन बंदे वो बैठे हैं दो उनके सामने बैठे हैं एक मैं इधर बैठा हु और ये उन सबको पीछे से संभाल रहा हूँ और एक एक कन्वर्सेशन बिल्कुल सर चार। चार। आपकी सर बहुत बड़ी एफर्ट है नो no डाउट सर वकार साहब मैं पर डे कितने मैसेजेस एंड कॉल्स आते हैं ऑन एवरेज मैंने कर, तुम्हें कितने आते हैं क्योंकि जो नंबर तुम्हारे पास है मेरे पास तो नहीं है कॉल्स <laughs> तो सर कोई इसकी लिमिट नहीं है मैं काफी ज्यादा कॉल्स नहीं अटेंड कर पाता लेकिन मैसेजेस की अगर देखें तो कोई uh, 150 200 प्लस डिफरेंट अकाउंट से इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी

और आई एम स्किल्ड इन एच टी एम और जावा yeah. में मेरी लर्निंग चल रही है और ए की तरफ मेरा काफ़ी इंटरेस्ट हुआ मैंने आपकी वीडियोस देखी काफ़ी आपको हर प्लेटफॉर्म से मैंने फॉलो किया हुआ है तो मैं अपनी ही वेब डेवलपमेंट की फील्ड को इस फील्ड में लेके जाना चाह रही हूँ ताकि मैं अपनी ही फील्ड में रहते हुए ए को इसमें इम्प्लीमेंट करूँ तो मैंने आपके तो आप आपने आपको मैं तो मशूरा दूंगा कि पहले ना जितने भी बच्चे हैं मैं सबको मशवरा दे दूं ये जो लोग एंटर हो रहे हैं ना वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर मोबाइल डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर ये पहले ना उस फील्ड के अंदर एंटर हो जाए देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ एक डॉक्टर है ना उसको इस फील्ड के अंदर एंटर नहीं होना तो उसका रूट रोड मैप डिफरेंट होगा एक फिनटेक के बंदे का रोड मैप डिफरेंट होगा लेकिन जी आप जितने लोग ना जो टेक की फील्ड में आ रहे हो तो पहले अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो अगर आप फ्रंट एंड हो तो आपका फ्रंट एंड डिवेलपमेंट इतनी अच्छी हो कि क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है आप आप वेब हो वेब हो तो में इतना आगे पहुंच जाओ कि आप क्लाइंट की जेब से पैसा ले सकते हो और फिर सेकेंड राउंड में उसके अंदर ए आई लेके आओ ये अली का इंट्रोडक्शन हुआ ना अली ने इतनी फ्रीलैंसिंग कर ली सारी वेब डेवलपमेंट कर ली बहुत सारा काम कर लिया अब दिस इज अ स्टेज जहां पे वो ए आई लेके आ रहा है लेकिन अगर आप यहाँ पे ए की तरफ जाएंगे ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे क्योंकि ए आई जहाँ अभी हम जाएंगे ना दस पंद्रह लेक्चर क्रॉस होंगे तो आपको पता चलेगा कि फाउंडेशन बहुत जरूरी होगी चीजें ऊपर से जाना शुरू हो जाएंगी जब डॉक्टर साहब के हाथ में पेन और बोर्ड आया ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों ने कुछ समझ कुछ नहीं आना समझ उनको आएगा जो बहुत आगे जाना चाहते हैं पेन और पेपर से मैंने डॉक्टर साहब को दूर रखा हुआ इंटेंशन ले भी मैं दे नहीं रहा उनको तो वो आने वाले आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें फिलहाल ए पे कम कम टाइम लगाए ठीक है सर मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ मेरा मतलब मकसद ये था कि मैं जब इन हाउस आती मैंने अप्लाई किया था इन हाउस के लिए बट मुझे कोई ईमेल जो है रिसीव नहीं हुई उसके बाद तो मैं जी 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 मैं समझती हूँ इस बात को तो मैंने दोनों फील्ड्स को लेके नहीं चलना था मतलब ऐसा नहीं था कि दोनों के हिसाब से, आई नो कि हम दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते पहले हमें एक चीज सीख लेनी चाहिए देन हम AI की और तरफ चलें। पहले एक चीज में से जो वो चीज है वो एआई नहीं है आपके लिए ओके थैंक यू सो मच सर वो आपके लिए एआई नहीं है ट्रस्ट मी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इब्राहम लिंकन को एग्जाम्पल मैं देता हूँ डी स्किल के कोर्स में भी देता हूँ कि वो कहता था उसके एग्जाम्पल को लोग डिफरेंटली कोट करते हैं कि अगर मुझे एक दरख्त काटने के लिए कुल्हाड़ा दिया जाए तो मैं छः घंटे कुल्हाड़ा तेज करूंगा और दो घंटे दरख्त काटूंगा आप इमेजिन करें कि छः घंटे कुल्हाड़ा तेज़ करने के लिए मतलब कि आपने अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आप अपने स्किल सेट पर ज्यादा तोज्जो दें आगे स्पीड खुद ब खुद तेज हो जाएगी

टीम इज मैंने आपसे कहा था दो हफ्ते का काम है oh, वकाश भाई, भाई नहीं जाना देते व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे सिर्फ लाइव लोग आते हैं उनके लिए स्क्रीन पे व्हाट्सएप ग्रुप आ चुका है कॉमेंट्स के अंदर भी व्हाट्सएप ग्रुप आ चुका है इनशाला आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी होपफुली आई बी इन ऑफिस और पूरे हफ्ते का काम है आप लोगों के पास पढ़ें विजुलाइज करें आर्टिकल्स पढ़ें खुद को प्रिपेयर करें जहाँ से सीखें बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू हारिस भाई थैंक यू अली भाई डॉक्टर साहब बिग थैंक्स इजाजत चाहिए एंड करते हैं ये क्योंकि स्ट्रीम जो है रिकॉर्डेड होगी और अटैच रहेगी यूट्यूब पे भी पड़ी होगी फेसबुक पे भी होगी तो ये लिंक आप ले लीजिएगा <coughs> और WhatsApp ज्वाइन कर लीजिएगा जजाक लाइब्रीवान